अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज है जी फ्राइडे, और फ्राइडे को हमारे जो घर के मर्द हजरात हैं, लाइक मेरे हस्बैंड और मेरे दो छोटे बेटे, वो गए हुए नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैंने कहा था आते हुए थोड़ी सी ग्रॉसरी भी करके ले आएँ, क्योंकि आज जो है वो घर में थोड़ी गेट टुगेदर थी, लाइक मेरे एक यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने आना था आज, तो थोड़ा सा सामान मंगवाया मैंने। और बस अभी वही तैयारी करते हैं शुरू, फ़ोन कर दो क्योंकि शाम तक उन्होंने आना है। तो मैंने वो जो जो चीज़ें बना के रखनी है, लाइक डो बना के रखनी है पिज़्ज़ा की, और इसके अलावा मैंने बिरयानी बनानी है, तो उनकी बिरयानी की मैरिनेशन तैयार करके रखनी है और डो बना के रखनी है। तो यहाँ पे मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लिया, उसमें 2 eggs डाले हैं और ऑयल डाला है 3-4 teaspoons, और 1/2 teaspoon इसमें मैंने डाला है सॉल्ट, 1 teaspoon इसमें शुगर डाली है मैंने, और ईस्ट को मैंने थोड़े से नीम गर्म दूध में रखा है ताकि वो थोड़े से उसके बबल्स बन जाए और वो अच्छा सा बन जाए। और उसकी मैंने डो बना ली। यहाँ पे मैंने मैरिनेशन तैयार की थी, चिकन पे मैंने लगा दिया था मेहरान बिरयानी मसाला, और अभी मैं कर रही हूँ अनियंस फ्राई। इनको फ्राई करके थोड़ा सा ब्राउन करना है, और इसको भी मैंने चिकन वाले मैरिनेशन के ऊपर डालना है ताकि वो थोड़ा सा उसका अच्छा वाला टेस्ट आ जाए, और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है इस तरह से। और उसके ऊपर मैंने एक लेमन स्क्वीज करके उसका जूस निकाल लिया था और वो भी डाल दिया, और इसको मैंने रख दिया था 2-3 hours के लिए ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और यहाँ पे जी मैंने ले लिया था थोड़ा सा चिकन अलग से करके रखा था, जिसको मैंने पिज़्ज़ा के ऊपर जो है वो जो भी करके डालना था। और यहाँ पे जी मैंने इसके ऊपर टिक्का मसाला लगाया था, थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया और लेमन ऐड किया, और इसको बस थोड़ा सा फ्राई करके और ये बना दिया हमने। और यहाँ पे जी हमारी डो बहुत अच्छे से राइज हो गई थी। थोड़े से मेरे पास बेल पेपर्स और कैप्सिकम पड़े हुए थे, वो भी मैंने इसी ऑयल में सौते कर लिए थे, जो थोड़ा सा बचा हुआ ऑयल था चिकन करके। और यहाँ पे जी हमारे चिकन के बाद ये जब सौते होने के लिए आया तो अयान किचन में आ गया था, और अयान का दिल था कि मैं भी मामा आपकी हेल्प करवाता हूँ, तो हेल्प तो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये सब कुछ कहीं अयान के ऊपर ही ना गिर जाए। खैर मैंने अब यहाँ पे बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि हो गए थे 2-3 hours तो हो गए थे, तो मेहमान आने से पहले पहले मैंने यहाँ पर तैयारी शुरू की। ज़ीरा लिया ऑयल में, 1 cup ऑयल लिया, उसमें ज़ीरा ऐड किया और उसको हल्का सा उसमें ऑयल में फ्राई करके, इसमें मैं डालूँगी अभी टमाटो, और हाँ जी इस ऑयल में अब मैं डालूँगी टमाटो और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको फिर मैंने अच्छे से पकाना है, हिला हिला के इसको अच्छे से पकाएं। और अल्लाह किधर गया मेरा टमाटो और जिंजर गार्लिक पेस्ट, अभी तो मैंने डाला था इसमें वो। हाँ जी हाँ जी आ गया, तकरीबन आ गया ऑलमोस्ट। हाँ जी ये देखें जी, इसमें मैंने ये डाल दिया है, और अब इसको मैंने इसको हिला हिला के बस अच्छे से पकाना है ताकि ये जो ये टमाटो का वो प्यूरी बनाई थी इसका वो जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। फिर इसमें मैंने डाला था 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर और सॉल्ट और सूखा धनिया और थोड़ा सा बिरयानी मसाला इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा टेस्ट आ जाए मसाले में भी। और जी इसको फिर हमने अच्छे से हिला 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 के पकाना है, और फिर इसमें मैंने ऐड किया चिकन जो मैंने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था। ये देखें जी बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो गया था, और अनियन ऐसे करके जब डालती हूँ ना ऊपर तो वो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, लाइक वो जैसे देगी बिरयानी होती है वैसे वाला टेस्ट बनता है इसका। और दूसरी साइड पे मैंने एक पतीले में ले लिया है जी पानी, उसमें राइस बॉयल होने के लिए रखे हैं, इसमें मैंने डाला था ज़ीरा और लेमन सॉल्ट उसको बॉयल करने के लिए। और जी यहाँ पे फिर मैंने राइस निकाले, राइस के ऊपर थोड़ा सा और बिरयानी मसाला डाला, और अच्छी स्पाइसी सी मज़े की बन गई थी बिरयानी, और फिर उसकी लेयर्स लगाई, और ये जी हमारा तैयार हो गया। एक साइड पर मैंने बनानी थी वाइट सॉस पिज़्ज़ा के लिए,
और मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ पिज़्ज़ा सॉस, वाइट सॉस खुद से बना के और वही जो है वो पिज़्ज़ा पे ऐड करती हूँ। और इसमें मैंने बटर ले लिया था, थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर, और इसको थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन करके इसमें मिल्क ऐड करना है और क्रीम चीज़ और चीज़, ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से ऐड करके मिक्स करके, और थोड़ा सा इसमें हमने सॉल्ट ऐड करना है और ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें इसमें डाल के मिक्स करके अच्छा सा, जब ये थोड़ी अच्छी सी जब ये बन जाएगी आपकी वाइट सॉस, और फिर इसको पिज़्ज़ा पे लेयर करें उसकी डो पे, और ऊपर चिकन और जो भी आपके पास पड़ा हुआ है वो सब ऊपर डाल दें, चीज़ वगैरह। और बस ये मैंने एयर फ्रायर में बनाए थे क्योंकि मेरा जो है वो स्टोव थोड़ा सा बिजी था। हाँ जी, हमारी सारी तैयारियाँ हो गई थी और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे मेहमानों का, और जी बहुत मज़ा आया, फिर हमने खाना शाना खाया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।